अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम एहसान दानिश और आप देख रहे हैं ब्लॉगर ब्रैकेट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हमने देखे थे, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं डिफरेंट कामों के लिए। तो आप उनमें अगर आपको जो भी प्लगइन चाहिए हो, आप सिंपल उसको गूगल करें, कोई ना कोई प्लगइन आपको लाजमी मिल जाएगा उससे रिलेटेड। उसके साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी पूरी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। बाज़ अवक़ात ऐसा इशू आता है कि किसी भी इशू की वजह से या किसी गलती की वजह से आपकी तमाम वेबसाइट डिलीट हो जाती है या उसमें कोई ख़राबी आ जाती है या कोई हैक कर लेता है उसे, तो आपको दोबारा से उसको डिवेलप करना पड़ता है। तो इसका सलूशन ये है कि हम अपनी वेबसाइट का बैकअप करके रख लें। अगर कुछ भी ऐसा परफॉर्म हो या हैक हो हमारी वेबसाइट या डिलीट हो जाए या किसी वजह से उसकी सेटिंग्स ख़राब हो जाए, तो हम उस तमाम वेबसाइट को दोबारा से एज़ इट इज़ दोबारा से अपलोड कर सकते हैं उसके बैकअप के थ्रू। तो ऐसा हम किस तरह से कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने यहाँ पे बेसिकली जहाँ से हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, तो इसके लिए एक प्लगइन है जिसका नाम है आई थिंक अपड्राफ्ट लिप प्लस, आई थिंक इस तरह से कुछ नाम है। मैं उसको अपड्राफ्ट प्लस, ओके, तो ये प्लगइन है। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं अपड्राफ्ट प्लस। तो ये देखें, ये एक प्लगइन है, इसको ज़रा हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद ये प्लगइन हमारे पास आ जाएगा और इसके अंदर हम जो अपनी वेबसाइट, हमारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, उसका तमाम बैकअप लेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे देखें ये अपड्राफ्ट लिप, इसकी मैं सेटिंग्स पे जाऊँगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा वेब बैकअप, बैकअप नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें बैकअप नाउ पे क्लिक करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट रहने दूँगा और बैकअप नाउ पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे ये बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा है बैकअप स्टार्ट करने के लिए। तो हमारी जितनी भी फाइल्स हैं हमारी वेबसाइट की, वो यहाँ पे बैकअप के लिए रेडी हो जाएंगी, जिनको हम फिर डाउनलोड कर लेंगे अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा अभी डेटाबेस का बैकअप। तो ये बेसिकली बैकअप क्रिएट हो चुका है, ओके। तो यहाँ पे देखें ये बैकअप क्रिएट हो चुका है आज का। तो मुझे क्या करना होगा, ये सारे को बारी बारी डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, पहले डेटाबेस को मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे प्लगइन को क्लिक करना पड़ेगा, थीम्स को, अपलोड्स को और अदर्स को। यहाँ पे मैंने इन सबको क्लिक कर दिया। उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे, तो मैं इनको बारी बारी अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेता हूँ। डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये देखें, इसका बैकअप आ गया, प्लगइन्स का बैकअप मैंने ले लिया, इसको मैं कीप कर देता हूँ। और यहाँ पे देखें, ये थीम्स का बैकअप मैंने ले लिया और अपलोड, और यहाँ पे अदर्स का, ठीक है। इन सब का मैंने बैकअप ले लिया बेसिकली। इसको मैं, अगर ये इस तरह से शो हो तो आपने इसको कीप कर देना है यहाँ से। ये बाकी के प्लगइन्स, ये बाकी के बैकअप्स डाउनलोड हो रहे हैं। इन्हें बैकअप, ये डाउनलोड करने के बाद आपने बेसिकली यहाँ पे देखें डिलीट फ्रॉम योर वेब सर्वर, इनको डिलीट कर देना है। पहले इनको डाउनलोडिंग कम्प्लीट होने देनी है, उसके बाद इनको यहाँ से बारी बारी डिलीट भी कर देना है आपने। अब यहाँ पे हमारे पास कम्प्लीट बैकअप बन चुका है अपनी वेबसाइट। मैं ज़रा इसका वेट कर लेता हूँ, जैसे ये बैकअप कंप्लीट हो जाते हैं फिर मैं आपको इनको दोबारा से रिस्टोर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने तमाम वो बैकअप्स डाउनलोड कर लिए हैं, ओके। उसके बाद अब अगर मेरी वेबसाइट को कुछ हो जाता है, लेट्स सपोज वो हैक हो जाती है या उसके अंदर कोई भी ख़राबी आ जाती है और वो सही से प्रॉपर से वर्क नहीं कर सकती,
तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा सेम डोमेन के ऊपर, और जो ये मेरे पास बैकअप अवेलेबल है मेरे पास यहाँ से, यही प्लगइन दोबारा से मैं इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद उस प्लगइन की सेटिंग्स में जाऊँगा, जैसे ये अपड्राफ्ट प्लस बैकअप हो गया और यहाँ की इस तरह से कुछ इंटरफेस नज़र आएगा मुझे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग बैकअप। तो मैं क्या करूँगा, अपलोड बैकअप फाइल, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करके जो मैंने डाउनलोड किया है बैकअप, यहाँ से इस बैकअप को सबको मैं क्या करूँगा, दोबारा से अपलोड कर दूँगा। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, वो दोबारा से अपलोड हो जाएगी और मेरी वेबसाइट एज इट इज़ वैसे ही काम करने लगेगी जैसा कि पहले थी। आई होप इस प्लगइन की आपको समझ आ चुकी होगी। आप किसी भी क्लाइंट के लिए ये काम कर सकते हैं, अपने उसका बैकअप उसे दे सकते हैं, या फिर बैकअप लेने का एक और मकसद ये भी हो सकता है कि आप अपनी बैकअप लें और उसको किसी और डोमेन के ऊपर, लेट सपोज आपको ये डोमेन पसंद नहीं आ रही अपनी वेबसाइट के लिए और आपने गलती से ये चूज़ कर लिया, लेकिन आपको ये वाली वेबसाइट जो आपने इसके ऊपर क्रिएट की है, आप इसको दोबारा से एज इट इज़ क्रिएट नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल एक न्यू डोमेन बाय कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपको ये लिख के दिखा देता हूँ ज़रा सा, ताकि आपको सही से समझ आए। आप एक न्यू डोमेन बाय करेंगे, ओके, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद जो आपने बैकअप लिया है उस बैकअप को वहाँ पे अपलोड कर देंगे इसी सेम प्लगइन की मदद से। तो इससे क्या हुआ, आपकी वेबसाइट तो सेम रही लेकिन वेबसाइट की डोमेन चेंज हो गई। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट या अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, जब वो चाह रहा होगा अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करवाने के लिए एक डोमेन से दूसरी डोमेन के ऊपर, या फिर एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग के ऊपर, तो ये रूल्स आप या ये मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस का आपको पता हो और वो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।